नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका ऑस्टर फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों शनि देव की जो वक्र दृष्टि होती है उसे सारा जहान बहुत अच्छे से जानता है। यदि शनि जिसमें वक्री हो जाए तो उसकी जिंदगी में खुशी नाम की चीज ही नहीं रह जाती है। लेकिन दोस्तों शनिदेव ऐसे नहीं है कि बिना वजह ही कष्ट दे रहे हैं, ये हमारे कर्मास जो होते हैं उनको 100 गुना बढ़ा करके देते हैं। जिनने बहुत अच्छे काम किए होते हैं तो उनको वही चीज बहुत अच्छी मिलने लगती है। यानी कि कोई गरीब है, रोडपति है और उसके कर्म अच्छे हैं और जब शनि दशा उस पर चलती है तो देखते ही देखते वो करोड़पति बन जाता है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में आया था कि रिक्शे वाले की 1 करोड़ की लॉटरी लगी। तो दोस्तों ये सब ग्रहों की चाल की वजह से होता है और शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए तो वो तो दोस्तों कहां से कहां पहुंचा दे, और यदि जिस पर वक्री हो जाए, रुष्ट हो जाए तो उसको ऊपर से नीचे, आसमान से नीचे पटक दे। तो मैं आज शनिदेव का एक ऐसे खास उपाय लेकर के आया हूं कि जिसको यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत हद तक, यानी कि 99% तक आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों शनिदेव जी है सिर्फ 2 लोगों से ही कंट्रोल में रहते हैं, एक तो हनुमान जी और दूसरा पीपल वृक्ष जिसे पिपलेश्वर भगवान कहा जाता है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, शनिवार के दिन आपको इस प्रयोग को करना है। शनिवार के से एक दिन पहले आप सामग्री ले आएंगे। आपको क्या करना है, एक लोहे का दिया बनवा लेना है या लोहे का दिया खरीद लेना है। एक दिन पहले ही शनिवार को आप कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। आप शनिवार के एक दिन पहले आपको सरसों का तेल, उड़द के दाने या फिर काली तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, और एक कील लोहे की और एक लोहे का दिया, ये आपको ले आना है। अब शनिवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, सुबह नहा धो के स्नान कर लेंगे और सूर्योदय के बाद में इस क्रिया को आपको करना है। तो आपने कपूर लेनी है, कपूर की टिक्की जला देंगे और उसके ऊपर कुछ प्लेट रखेंगे तो उसमें काजल पड़ जाएगा। अब उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उस दिए के अंदर, ये दिया है तो उसके अंदर जो तलवा तला होगा उसका, उसमें आपको अपनी परेशानी लिख देनी है। आपको धन से संबंधित परेशानी तो लिख दें गरीबी, आपको शत्रु से परेशानी तो लिख दें शत्रु, बेरोजगारी है तो लिख दो बेरोजगारी, जो भी A to Z, बीमारी से परेशान है तो बीमारी, जो भी लिखना है आपको, जो भी परेशानी है आपकी, इसको आप लिख लें। और इसके इसको इसमें आप दिए में तेल डाल दें, या तो सरसों का डालेंगे या तो फिर आप काली तिल का तेल डालेंगे। अब इसको लेके सीधे आप निकल जाए पीपल वृक्ष के पास में। पीपल वृक्ष में जाने के बाद में ये दिया आप वहां पे साथ में 8 उड़द के दाने काले, 8 इसलिए दोस्तों कि शनि का जो अंक है वो 8 है, इसलिए 8 बिल्कुल साबुत रहेंगे दाने। ये सब सामग्री आप लेकर पीपल वृक्ष के पास में जाएंगे। अब सबसे पहले आपको पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है और पीपल वृक्ष को प्रणाम करके यहां वहां ये बोलना है कि पीपल वृक्ष में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, भूत प्रेत राक्षस गंधर्व जो भी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मेरे इस कार्य में मुझे सफलता के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करने के बाद में आपको सबसे पहले दिए को अपने ऊपर से 7 बार आपको उबार लेना है और उस दिए को वहां पे जला देना है। उसके बाद में 8 दाने आप जो लेंगे उड़द के, सीधे हाथ में रखेंगे क्लॉकवाइज, इसको भी 7 बार उतार लेंगे और उसी दिए में आप डाल देंगे। अब जो लोहे की कील बची, लोहे की कील को भी आपको 8 बार उबारना है, 8 बार, 8 बार अपने ऊपर से उबार के लोहे की कील भी उसी में डाल देंगे। बस यहां पे आपका काम खत्म हो जाता है। बस ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपकी परेशानी जो होगी एक शब्द में ही लिखनी है, जो दिए के तलवे में आप लिखेंगे तले में, वो आपको बाहर तरफ नहीं लिखना है, जो दिया उसके अंदर तरफ तले में लिखना है आपको। जो भी परेशानी है आपकी, पैसे नहीं आ रहे हैं तो गरीबी लिख देंगे, रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी लिख देंगे, शत्रु से परेशान है तो शत्रु लिख देंगे, बीमारी से परेशान है तो रोग से परेशान है तो बीमारी लिख देंगे। तो ये चीजें वहां पर जल करके खाक हो जाएगी आपकी जिंदगी से। बहुत ही अचूक उपाय है, अब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने लगेगा। आप करेंगे तो परिवर्तन खुद महसूस करेंगे, क्योंकि ग्रहों की चाल दोस्तों इंसान को क्या से क्या बना देती है। और थिंक हमेशा दोस्तों पॉजिटिव रखें, हमेशा कोई भी उपाय करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होकर के करें। ये ना सोचे कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि देखिए दोस्तों, आप यदि आपसे यदि कोई कार्य बोलता है कि मेरा एक काम कर देना, और वो कहेगा कि यार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो आपको गुस्सा आएगा कि मेरे पे शक कर रहा है। तो ऐसी शक्तियां होती हैं, आपको इन पे फुल फेथ रखना है, विश्वास रखना है कि हाँ ये मेरा काम करेंगी, इसलिए मैं इनको ये कार्य दे रहा हूं। क्योंकि दोस्तों जब हमें कोई कार्य देता है और वो बोलेगा कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मन में डाउट लाएगा, तो हमें भी लगने लगता है इसको मेरे पे विश्वास ही नहीं है, मैं क्यों करूं इसका काम। तो ये तो दिव्य शक्तियां हैं, ये तो काम करती ही करती हैं। तो आपको बस इतना विश्वास रखना है कि हाँ मैं इनको अपना काम सौंप रहा हूं या सौंप रही हूं, तो मेरा ये काम जरूर होगा। स्त्री पुरुष दोनों इस कार्य को कर सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ में करें, तो आप देखेंगे कि आपको जरूर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।